माल कहाँ छुपाया है? बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म यानी कि पुष्पा द राइज के शुरुआती 5 दिनों के हिंदी बॉक्स ऑफिस टोटल कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि पुष्पा द राइज फिल्म ने अपने 5 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर से टोटल कितने रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे कि अभी पुष्पा द राइज फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कितने रुपए की कलेक्शन और करना होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा द राइज जो कि एक पैन इंडिया फिल्म है जिस फिल्म को इंडिया में हिंदी तमिल तेलुगु और कन्नड़ा वर्जन में एक साथ रिलीज किया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5वां दिन चल रहा है और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो शुरुआती 4 दिनों के ऑफिशियल हिंदी कलेक्शन है वो भी निकल कर आ चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर से काफी लाजवाब कलेक्शन करा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा द राइज जिस फिल्म को हिंदी वर्जन में लगभग 600 से 700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को पहले और दूसरे दिन ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला जिसके चलते इस फिल्म के जो स्क्रीन काउंट है वो भी काफी ज्यादा हो चुके थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि जहां पुष्पा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5वां दिन चल रहा है तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पुष्पा द राइज फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर से लगभग 1100 से 1200 स्क्रीन मिले हुए हैं। बात करें दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर से टोटल कितने रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा द राइज फिल्म ने अपने पहले दिन काफी शानदार ओपनिंग ली और इस फिल्म ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन करा हिंदी वर्जन से 3,11,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 3,55,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों इस फिल्म के तीसरे दिन का यानी कि संडे का कलेक्शन रहा लगभग 5,18,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के चौथे दिन यानी कि मंडे के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी कोई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज होती है तो उस फिल्म के जो कलेक्शन है वो मंडे से ड्रॉप होने लग जाते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर पुष्पा फिल्म ने अपने पहले और दूसरे दिन से भी ज्यादा कलेक्शन करा है अपने चौथे दिन पर। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ पुष्पा द राइज फिल्म ने सभी को चौंका दिया है अपने चौथे कलेक्शन के साथ। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने चौथे दिन यानी कि मंडे को ऑल इंडिया नेट कलेक्शन करा है लगभग 4,25,00,000 रुपए का। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने 5वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया होल्ड बनाए हुए है और निकल कर आ रही है। उसके मुताबिक पुष्पा द राइज फिल्म अपने 5वें दिन हिंदी वर्जन से टोटल नेट कलेक्शन लगभग 3 करोड़। और दोस्तों इसी के साथ पुष्पा द राइज फिल्म का शुरुआती 5 दिनों का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर टोटल नेट कलेक्शन हो रहा है लगभग 19.5 करोड़ रुपए का। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया टोटल नेट कलेक्शन करना होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि पुष्पा द राइज फिल्म ने अपने 6ठे दिन यानी कि कल तक बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हो जाएगी। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन कितने रुपए का करेगी और यह फिल्म वर्ल्ड लाइफ टाइम कलेक्शन कितने रुपए का कर पाएगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।